हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मुझे बनाने हैं मछली के पकोड़े और मैं आई हूँ मछली लेने। और मुझे चाहिए जिसके पकोड़े बन सके, एक कांटे वाली मछली चाहिए। और यहाँ पर मुझे दो मछलियाँ दिख रही है और दो मछलियों में से मुझे एक कांटे वाली मछली चाहिए और वो हमें मिल चुकी है। वो ये मछलियाँ, और इसको अच्छी तरह से कटवा देते हैं भैया से, इसको अच्छी तरह से कटवा देते हैं, कटिंग करवा देते हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी सफाई करवा देते हैं गाइस। इसके छोटे छोटे टुकड़े करवा देते हैं। जिससे पकोड़े अच्छी तरह से बन जाए। गाइस हमारी मछली कट रही है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा रहे हैं हम और भैया उसे अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं। चलिए गाइस, गाइस हमने मछली को अच्छी तरह से वॉश करके, सफाई करके और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, काला नमक डाल दिया है और थोड़ा बेसन। और हमने इसको अच्छी तरह से ज्वाइंट किया है, अच्छी तरह से मिलाया है गाइस। और अब हम पकोड़े बनाने के लिए रेडी हैं। चलिए गाइस, अब हम पकोड़े बनाते हैं। गाइस हम पहले कढ़ाई चढ़ाते हैं। गाइस हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा बेसन और चाट मसाला, काला नमक डाला है जिससे ये और भी टेस्टी हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिलाया है जिससे ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए और हमारे पकोड़े बनाने के लिए तैयार हैं। और अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं और हमारा तेल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें मछली को डालते हैं और हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हम धीरे से डालेंगे और गैस को थोड़ा कम कर देंगे। और हम पकोड़े बना रहे हैं गाइस। कढ़ाई में हम दो तीन पीस और डाल देते हैं जिससे हमारे पकोड़े जल्दी बन के तैयार हो जाए। और इनको हम धीरे से पलटते हैं जिससे ये हमारे पकोड़े जले ना, धीरे धीरे से जिसमें चम्मच घुमाते हैं। और हमारे पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं गाइस, हमारे पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं, ये बन चुके हैं। अब इनको निकाल देते हैं गाइस। हमारे थोड़े से पकोड़े और बचे हैं और इनको भी हम जल्दी से कढ़ाई में डाल देते हैं जिससे जल्दी से हमारे पकोड़े तैयार हो जाए। इनको भी हम डाल देते हैं, पहले हमें ये निकालने पड़ेंगे। और फिर ये चार पांच पीस बचे हैं, इनको हम डाल देते हैं जिससे हमारे पकोड़े और भी जल्दी तैयार हो जाए। गाइस ये पकोड़े बनाने का सबसे आसान तरीका है। और गाइस मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और